जी मैम, ये जो जानकारी आ रही है क्या सच है मैम? नितिन जी, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। दो दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा था जिसमें 84 राइट्स के ऊपर चर्चा थी, ठीक है। आज पार्टी की एक लाइन आई कि आज रेजोल्यूशन आएगा चर्चा के बाद, जिसमें लाइन थी लास्ट में कि राजीव गांधी जी जो भारत रत्न है उनका वापस भारत रत्न वापस की मांग उठाई जाएगी, जिसमें मैंने उसी समय कह दिया कि मैं इस लाइन का समर्थन नहीं करती और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये मांग, है ना। हेलो, हाँ हाँ मैम, सुन रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा ये पार्टी लाइन है, तो सोमनाथ भारती जी को भी वो लाइन दी। सोमनाथ भारती जी ने अपनी स्पीच में इस मांग को उठाया। उसके बाद मेरी स्पीच थी तो मैंने बिल्कुल इससे इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं रखूंगी, और मैंने अपनी पूरी स्पीच में इसका जिक्र नहीं किया जिससे पार्टी को काफी नाराजगी हुई, ठीक है। उसके बाद जरनैल सिंह की बारी आई तो जरनैल को भी वो हाथ से लिखी लाइन थी वो दी गई और उन्होंने भी उस लाइन को रेजोल्यूशन में पढ़ा। जब वो पढ़ रहे थे तो मुझे लगा फाइनली रेजोल्यूशन में अब आ ही रही है, क्योंकि रेजोल्यूशन जरनैल सिंह ला रहे थे, तो मैंने हाउस से वॉकआउट कर दिया बिकॉज मुझे लगा कि मुझे ये लाइन मंजूर नहीं है, है ना। सो मैं वॉकआउट कर गई। उसके बाद मेरे चांदनी चौक में एक पब्लिक मीटिंग थी। 8 बजे मैं फ्री हुई, जब गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा ANI पे जरनैल सिंह का फाइट चल रहा है कि रेजोल्यूशन पास हो गया है और उसमें ये मांग कर दी गई है। तो भी मुझे यकीन नहीं आया, मैंने सचिव हमारे मुर्गन जी है विधानसभा के, उनको कॉल किया, उनसे रिकन्फर्म किया। मुझे लग रहा था कि मेरे विरोध के बाद पार्टी ने वो लाइन हटा दी होगी, मान गए होंगे, बट वो पार्टी की लाइन थी इसलिए बताया गया नहीं हटी है और रेजोल्यूशन पास हो गया है। तो मैंने फिर मुर्गन जी से ऑफिशियल कॉपी मांगी उसकी, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वो कॉपी भी दी जिसमें ये ऑफिशियली तय हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है मैंने फिर वही था कि उस कॉपी को उतारा कि मैं हाउस में नहीं थी लेकिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैंने कॉपी रखी। पार्टी का फोन आया कि हम आपके बात से सहमत हैं और ये गलत हुआ है, हम इसको हटा देंगे, आप अपना ट्वीट हटा दीजिए। मैंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया खुशी के मारे कि भैया ठीक है, इनको समझ आ गई है कि ये मांग जायज नहीं थी। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो टीवी के ऊपर सब जगह कि मेरा इस्तीफा मांग लिया गया है। आई एम सरप्राइज कि सोमनाथ भारती जी जिन्होंने कहा इस लाइन को, है ना, उनका भी इस्तीफा है। मैंने नहीं कहा वॉकआउट करके, मेरा भी इस्तीफा है, तो हमारी समझ से बाहर है कि क्या है। तो मैम, तो रेजिग्नेशन आपने दिया तो नहीं है ना? नहीं, मेरे को टीवी के माध्यम से पता लग रहा है, पार्टी प्रवक्ताओं ने उनको खबर किया है कि पार्टी की लाइन ना मानने के इसमें मेरा इस्तीफा मांगा गया। मेरे को मीडिया के लोग बता रहे कि हाँ पार्टी ने ऐसा कहा है, तो कहा है तो सुबह मैं बिल्कुल इस्तीफा दूंगी, उसको स्वीकार करना नहीं करना पार्टी के हाथ में, बट मेरे को नहीं समझ आ रहा मेरी गलती कहाँ है इसमें। पार्टी ने अपनी गलती रियलाइज की और ये ऑन लाइव रिकॉर्ड है, फेसबुक लाइव जा रहा था, वेबसाइट पर है कि अलका रेजोल्यूशन के टाइम वॉकआउट थी, मैं सदन में नहीं थी, मैंने अपनी स्पीच में जिक्र नहीं किया। मुझे तो खुशी है कि आपने मुझे मेरा ट्वीट डिलीट करने को कहा कि आप उसमें यू नो कर रहे हैं किसी तरह भी उसमें बचाव के लिए।